फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डायनामिक्स होता क्या है, और अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड भी जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर गेस कर सकते हैं दैट इट इज़ नथिंग बट दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन। क्योंकि अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे थे तो मैकेनिक्स का मतलब होता था स्टडी ऑफ मोशन ही होता था, और मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस थी, एक थी डायनामिक्स और दूसरी थी काइनेमेटिक्स। सो अगर मैं डायनामिक्स बोल रहा हूँ तो दैट इज द स्टडी ऑफ मोशन वाइल कंसिडरिंग विद कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। और अगर कॉज ऑफ मोशन की बात करें तो कॉज ऑफ मोशन होता है हमारा फोर्स। इसका मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स को कंसिडर भी करता हूँ वाइल स्टडिंग द मोशन, तो ऐसे पर्टिकुलर स्टडी को आप लोग बोल दोगे एज द डायनामिक्स। तो सवाल ये आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कैन कॉज द मोशन, टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कैन कॉज द मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लोग टोटल पांच तरह के फोर्स बोल सकते हैं जो कि जिम्मेदार होंगे फॉर द मोशन ऑफ फ्लूइड। पहला जो पर्टिकुलर फोर्स है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं इसके अलावा यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वेट बुलाते हैं। सेकेंड जो फोर्स होगा दैट विल बी नोन एज प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या होता है तो वह हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट प्रेशर फोर्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। कौन सी डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करेगा तो दैट विल बी ऑलवेज एक्टिंग इन द नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट एरिया और द सरफेस एरिया। वहीं इसके अलावा जो थर्ड फोर्स हम लोग लिख सकते हैं दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी के कारण होगा, मैं FV लिख देता हूँ इसके लिए। विस्कस फोर्स के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है शियर फोर्स का फॉर्मूला, दैट वाज म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई अपॉन इनटू एरिया। वहीं इसके अलावा जो फोर्थ फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी योर टर्बुलेंस फोर्स। टर्बुलेंस फोर्स मतलब कि जहां टर्बुलेंस के दौरान पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते थे उस दौरान कुछ वहां पर फोर्स एक्ट करेगा ऑन द टू कॉज द और टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द फ्लूइड। सो टर्बुलेंस फोर्स भी यहाँ पर एक फोर्स काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो पांचवा फोर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं दैट विल बी योर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी फोर्स वहाँ एक्ट करेगा जहाँ पर आपका फ्लूइड कैसा रहे, कंप्रेसिबल हो। लेकिन क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अधिकतर फ्लूइड के तौर पर लिक्विड्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को कंसिडर हम यहाँ पर नहीं करते हैं। सो ये जो पांच पर्टिकुलर फोर्सेज है, इन पांच में से भी अगर मैं बीटेक लेवल की बात करता हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूँ, तो वहाँ आप इन पांच में से सिर्फ दो ही फोर्सेस को कंसिडर करते हो। बहुत सारी अलग अलग तरह की इक्वेशंस हैं, अलग अलग रिसर्चर्स ने, मैथमेटिशियंस ने यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी थी, लेकिन हम सभी इक्वेशंस नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मोस्ट जनरल इक्वेशन की बात करें फॉर द मोशन तो दैट विल बी द रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और रेनॉल्ड्स ने यहाँ पर जो टोटल फोर्सेस कंसिडर किए थे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करा, प्रेशर फोर्स को भी कंसिडर करा, विस्कस को भी कंसिडर करा, टर्बुलेंस को भी कंसिडर करा, लेकिन ये जो कंप्रेसिबिलिटी के फोर्स था उसको उसने कंसीडर नहीं किया था। वो बात अलग है, हम लोग रेनॉल्ड्स की इक्वेशन भी यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन नाम जरूर पता होना चाहिए। सेकंड जो इक्वेशन थी दैट वाज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक ने यहाँ पर जो फोर्सेस कंसिडर किए उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, प्रेशर फोर्स था और विस्कस फोर्स था। टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी के फोर्स दोनों को ही उसने नेग्लेक्ट कर दिया था। थर्ड जो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन देखने को मिलती है दैट विल बी आवर आइलर्स इक्वेशन। बी लेवल पर हम लोग आइलर्स की इक्वेशन जरूर स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए। सो अगर मैं आइलर्स की इक्वेशन की बात करता हूँ तो आइलर्स की इक्वेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करा और प्रेशर फोर्स को कंसिडर किया गया है, और यही हम लोग स्टडी करते हैं इन द बीई लेवल। तो अगर हमारे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी है तो उसमें आइलर्स इक्वेशन भी बेस सवाल आ सकते हैं। सो किस तरह से हम लोग आइलर्स इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, अब जरा ये भी पार्ट यहाँ पर सीख लेते हैं। मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है ये कुछ एक पर्टिकुलर लाइन है जिसमें फ्लो हो रहा है, और अगर इस पाथ में फ्लो हो रहा है तो मैं काम करता हूँ इस पाथ में मैं एक फ्लूइड का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ।
मान लेते हैं दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट एंड द एंगल ऑफ द पाथ इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ थीटा. मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट का दिस इज डी एस. इसका जो एरिया है एरिया भी मैं मान लेता हूँ डी ए है. सो अगर यहाँ पर चेक करें इस पे दो तरह के फोर्सेस मुझे कंसिडर करने हैं आइलस के अकॉर्डिंगली. एक होगा प्रेशर फोर्स. तो प्रेशर फोर्स अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेशर फोर्स एक तो प्रेशर इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा और मैं मान लेता हूँ इधर पे प्रेशर है पी. फोर्स कितना होगा तो प्रेशर इंटू एरिया लिख देता हूँ इस डायरेक्शन में. वहीं इस डायरेक्शन में इधर से इधर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा कुछ ज़्यादा प्रेशर. मैं लिख देता हूँ पी प्लस डी पी. फोर्स लिखना है तो साथ में एरिया भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा यहाँ पर वेट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन वेट का एक कंपोनेंट होगा. अगर मैं इस प्लेन में यहाँ पर फोर्सेस देख रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा वेट का भी एक कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा. सो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ लिख सकता हूँ. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सभी ने पढ़ा है. सेकेंड लॉ क्या था? बोलता था दैट द टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन में यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले लेता हूँ. सो यहाँ पर पॉजिटिव फोर्सेस अगर चेक करें तो एक है पी इंटू डी ए. वहीं ये एक प्रेशर फोर्स नेगेटिव हो जाएगा. सो माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी ए. वहीं इसके अलावा वेट का जो कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है. माइनस डब्ल्यू इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए. यहाँ पर अगेन इसको सॉल्व करें, देखिए पी इंटू डी ए और पी इंटू डी ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर बच जाएगा माइनस ऑफ डी पी इंटू डी ए और माइनस डब्ल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए. तो चलिए अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ वेट को तो वेट को भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह से दैट वेट कैन बी रिटन एज रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, मास इंटू जी लिखते थे हम लोग. इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, वहीं मास को भी मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन. अगर ये वाली टर्म को भी इस तरफ लेकर आ जाऊँ मैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ डी पी इंटू डी ए माइनस रो इंटू जी. वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ दैट इज डी एस इंटू एरिया साइन थीटा माइनस रो ऑफ वॉल्यूम को अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी एस इंटू डी ए. और एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पर जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में लिखा था वी इंटू डी वी बाय डी एस इज नथिंग बट दैट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस टेम्परल एक्सेलरेशन विल बी डी वी बाय डी टी शुड बी इक्वल्स टू जीरो. तीनों ही टर्म्स में यहाँ पर नेगेटिव 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 दिख रहा है तो इन सबको मैं पॉजिटिव लिख दूंगा यहाँ पर. तो ये लिख सकते हैं हम लोग डी पी इंटू डी ए माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पर डी ए भी दिख रहा है, सब में कॉमन दिख रहा है, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूँ अगर मैं तो यहाँ पर ये डी ए लिखने की जरूरत मेरे को अब नहीं पड़ेगी. लिख सकते हैं यहाँ पर आगे रो इंटू जी इंटू डी एस साइन थीटा माइनस रो इंटू डी एस इंटू डी ए कैंसिल आउट हो चुका है वी इंटू डी वी बाय डी एस. अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया था तो ये पूरा प्लस प्लस हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू जीरो. अच्छा ये डी एस और ये डी एस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा डी पी प्लस रो जी डी एस साइन थीटा कुछ और नहीं होगा. अगर मान ले ये डायरेक्शन में मैंने लेंथ लिया था डी एस और ये एंगल है आपका थीटा तो जो डी एस का साइन थीटा होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं जेड ले रहा हूँ अगर यहाँ पर तो लिख सकता हूँ इसको एज डी जेड प्लस रो इंटू वी इंटू डी वी विल बी इक्वल्स टू जीरो. और मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पर मैंने यह ध्यान रखिएगा मैंने डी वी बाई डी टी को जीरो कर दिया है. डी वी बाई डी टी को अगर जीरो कर रहे हो इसका मतलब कि आप क्या मान रहे थे कि जो पर्टिकुलर फ्लो है वो कैसा है, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब फ्लो कैसा होगा आपका स्टडी फ्लो होगा. ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है दिस विल बी द आइलस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्टडी फ्लो. अगर स्टडी फ्लो भी नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ये डी वी बाई डी टी को भी लिखे रहने देंगे, इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. वहीं इसके अलावा ये तो हमारी आइलस इक्वेशन हो गई. मैं क्या करता हूँ ये इक्वेशन में दोनों ही तरफ मतलब मैं रो जी से डिवाइड कर देता हूँ. तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी डी पी बाय रो जी, सेकेंड टर्म हो जाएगी डी जेड
थर्ड टर्म हो जाएगी v इंटू डी वी बाई जी विल बी इक्वल टू जीरो। दोनों ही तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, दैट इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेट करके मेरे को इसका इंटीग्रेशन मिलेगा एज पी बाय रो जी। ठीक है, या एक काम करें, यहां पर एक बार इंटीग्रेशन के लिए साइन लिख देता हूं डी जेड, यही v इंटू डी वी बाय जी का भी इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो रो और जी, जी तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं रो को भी कांस्टेंट मान रहा हूं, कीपिंग द रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब मैं फ्लो कैसा मान रहा हूं कि जो फ्लो है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। सो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो करूं तो ये डी पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी बाय रो जी प्लस डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू जी, और जीरो का इंटीग्रेशन मतलब कॉन्स्टेंट। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन यहां पर मेरे को दिख रहा है कि टोटल तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स जो है वो अलग अलग तरह के हेड को रिप्रेजेंट करती हैं। सो अगर तीनों ही हेड्स का मैं समेशन लिख देता हूं तो मैं ये बोल देता हूं दैट द समेशन ऑफ दीज थ्री हेड्स इज नोन एज टोटल हेड। So what does Bernoulli's equation says? It states that the summation of the three heads of the fluid will remain constant. लेकिन सवाल ये आता है कि head होता क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, head is nothing but head is the energy possessed by the fluid per unit weight. इसका मतलब कि अगर total head constant रहता है तो Bernoulli's equation ये भी बोल रही हमें कि जो total energy है वो constant रहेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो बर्नौलीज की थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द सेक्शंस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द सेक्शंस ऑफ फ्लो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर चेक करें जो टोटल तीन टर्म्स दिख रही है, पी बाय रो जी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर एज प्रेशर हेड, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हेड कुछ और नहीं बल्कि दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वेट, तो मतलब प्रेशर हेड को मैं लिख सकता हूँ एज दैट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। वॉल्यूम को मैं ऐसे वॉल्यूम लिखने देता हूँ, और मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर हेड का भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो कैंसिल आउट होके हो जाएगा पी बाय रो जी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों का, दिस वॉज नथिंग बट दिस वॉज योर प्रेशर हेड। वहीं इसके अलावा अगर मैं वी स्क्वायर बाय टू जी टर्म को देखता हूँ तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर काइनेटिक हेड, और काइनेटिक हेड का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। वेट का फॉर्मूला क्या है, mg, मास और मास कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v स्क्वायर बाय 2g। वहीं इसके अलावा z जो है, z इज नोन एज डेटम हेड, और दैट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल हेड। ये क्या होगा, तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, इसका मतलब ये h के बराबर मतलब z के बराबर हो जाता है। सो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो तीनों ही तरह के हेड्स है उनका समेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो ये बहुत ही सिंपल सी बर्नौलीज इक्वेशन है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, किस तरह के इस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हैप्पी इंजीनियरिंग।